बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं चोलिस्तान के एक एरिया में मौजूद हूं, जहां पे हमारे जो ये नलके लगाए जा रहे हैं गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए पानी की सहूलत फराहम करने के लिए, उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारा एक जो हैंडपम्प लगाया गया है। मरहुमा ज़ादुल बीबी साहिबा की तरफ से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है, उनके बेटे नियाज मोहम्मद साहब की तरफ से, जो कि मक्का मुकरमा सऊदीया में रहते हैं। ज़ादुल बीबी का ताल्लुक़ जो है मरहुमा का डेरा अल्लाह यार से ताल्लुक़ है उनका, और ये उनके जो पोते हैं सऊदी अरब में रहते, उन्होंने ही रकम भेजी है, और अपने बाप की तरफ से उनकी अम्मी की तरफ ये हैंडपम्प मंसूब किया गया है। उनके वालद का नाम मोहम्मद नियाज है, और ये नियाज साहब की तरफ से ये हैंडपम्प उनकी वालदा के लिए, ज़ादुल बीबी साहबा के लिए ये डोनेट किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ज़ादुल बीबी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उसके साथ साथ जो उनके बेटे नियाज मोहम्मद साहब ने ये डोनेट किए, उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, और उनके जो पोते मक्का मुकरमा में काम करते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हैंडपम्प से जो पानी यहाँ पे आता है उसकी निकासी का ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे एक ये कीकर का पौधा लगाया गया है, जबकि दूसरी जानब बेरी का भी एक पौधा लगाया गया है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी फल भी देंगे, और उसके साथ साथ लोगों के लिए साया भी फराहम करेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे चल के हम इसका विज़िट करते हैं। पानी आप इसका देख सकते हैं माशाल्लाह, साफ़ और शफाफ पानी है, और ये पुख्ता इसका फ़र्श बनाया गया है, ताकि जो चोलिस्तान के लोग होते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द, जो अपने बकरियाँ वगैरह चरा रहे होते हैं, अगर वो अपने जानवरों को जब प्यास लगती है तो वो यहाँ पे उसको पानी पिलाने के लिए भी आ सकते हैं, और बासानी यहाँ पे उसको पानी पिला सकते हैं। एक मिनट सर जी, इसको बंद करें चलाना। ये हैंडपम्प पे आप पढ़ सकते हैं, हैंडपम्प नंबर 165 सदका जारिया बराए ईसाल सवाब मरहुमा ज़ादुल बीबी डेरा अल्लाह यार, उनके बेटे की तरफ से है ये नलका लगवाया गया, नियाज मोहम्मद साहब मक्का मुकरमा, जबकि इसके लिए जो रकम भेजी थी वो नियाज मोहम्मद साहब के बेटे ने सऊदी अरब से भेजी थी, और अपने वालद साहब की तरफ से ये नलका ज़ादुल बीबी साहबा के लिए, रूह के साले सवाब के लिए लगवाया। अल्लाह ताला उनका ये नेक अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, और उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम पूछेंगे कि यहाँ उनको पानी की क्या मुश्किलात थी, और इस हैंडपम्प के लगने से उनको कितनी आसानी पैदा हुई है, तो हम चल के उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अच्छा भाई जान, तुम दस सौ पानी की कितनी तंगी आई, तो तंगी सर पानी की तंगी है। अच्छा, नलका लगने का कोई फायदा है तो आपको? बड़ा फायदा से ज़ादुल बीबी दा पानी मीठा पानी बिल्कुल सन पीवन दा दत से गे से अल्लाह पूजा जादे आमीन ते बड़ा खुश खुशहाली हाल ते गे सारे वास्ते तोरे वास्ते फायदा था इन बहुत फायदा थे। पानी दा जायका कैसा है? बड़ा मीठा पानी, मीठा पानी माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह जी, ए नलका लगाया गया जी ज़ादुल बीबी साहिबा दे रूह दे साले सवाब वास्ते। जी जी ज़ादुल बीबी वास्ते लगाए जी जी, हक से दुआ मांगदे से सब पानी छाने दे ज़ादुल बीबी वास्ते सो दुआ करें बस। आमीन जी, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआवां ज़ादुल बीबी साहब दे हक च कबूल फरमावे जी, ते बाकी बाजी कुल भी असा पूछदे। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी पानी दी कितनी तंगी आई तो कोई था? बहुत तंगी पानी दी सब को, बहुत तंगी पानी, शुक्र है मीठा है पानी। अच्छा मीठा है नलके दा पानी? हां पानी बड़ा मीठा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ज़ादुल बीबी दा ज़ादुल ज़ादुल बीबी ज़ादुल बीबी सिंध दे रावणा लेना मेरे ख्याल जैक बाबा बलोचिस्तान दे, तो ना इवें दे जैक बाबा बलोचिस्तान च, मेरे ख्याल बलोचिस्तान च अल्लाह को ज़ादुल बीबी अल्लाह को सुख देवे, अल्लाह हुंदी जिंदगी रखे, हुंदी दुआ फरमाए, ये सब को पानी मीठा लगे। आमीन बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ज़ादुल बीबी को जी जन्नतुल फिरदौस चाला मकाम अता फरमावे। बिल्कुल, उन्होंने बेटे नियाज मोहम्मद साहब उन्होंने तरफ ये नलका लगवाया गया जी, उन्होंने हक दी कितना खुश रखे अल्लाह, उन्होंने खुश खुश रखे अल्लाह सुना, अल्लाह उन्होंने दी नसीब सारा पानी मीठा नहीं करा। चलो माशा आसानी थी कि तो सुन दुआ करे सुन। चलो माशा बड़े दूर दूर तो पानी भर रहे हैं। हाँ जी, बड़े दूर तो पानी, इतने सफर तो पानी भर रहे हैं, कोल अल्लाह से चश्मा मीठा ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल आसानी थी कि चलो माशा, बड़ा भी है सोना काम थी कि बड़ा मीठा पानी आ गए। चलो माशा, माल चल चले रहे ऐसे पानी नेड़े तेड़े आ करना ठीक है, माल कोई तो पानी पीने पीले से बड़ी सब मुश्किल सारी आसान थी कि समझे आके दुआ करना से। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा बड़ा भी है कम सोना थी कि अल्लाह से उन्होंने उम्र दराज रखे, उन्होंने जन्नत दा फरमावे।
ज़ातुल बीबी वास्ते ज़ातुल बीबी वास्ते माशाल्लाह अम्मा जी तुसा को जैसे सो क्या तो आपको आसानियत है साकू बहुत आसानियत है पानी मीठा निकल आए वही करे सो जन्नत जा देवे अल्लाह ज़ातुल बीबी आमीन आमीन ते असा इति दुआ करे सो जेरे गरीब बेवी पेसे जी जी उना वास्ते भी नल के दो हेक नल का है जी जी असा किती घर है से कोई भराने दे कोई नहीं भराने अच्छा अच्छा तुसा दे यानी बे नल के भी हो में जी 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 बे नल के ही हो में ए हुन एक नल का है पंजा घर है अच्छा अच्छा कोई नल के तो भराने दे कोई नहीं भराने दा चोलिस्तानी दा खुद को पता है झेड़ा भी थी वेंदे कोई नल के अंदर रोक दे साकू दे दे से बड़ी मेहरबानी है ज़ातुल बीबी वास्ते दुआ करे सो जन्नत फरमावे आमीन आमीन जी बिल्कुल उना दी औलाद नियाज ਮੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਰਾਤ ਦੇਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਸੂ ਸਾ ਗਰੀਬ ਐਸੇ ਬੇਵੇ ਸਾ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇਖਣੋ ਸਾ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਲੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮਰਾ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਮਿਲ ਵਣੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੋਲਵੀ ਬਾਈ ਵੇਸੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਥੀ ਵੇਸੇ ਕੋਈ 20 ਘਰ ਨੇ 25 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਘਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਸਾਂ ਇਰਾਦਾ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਟਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੀਟਾਂ ਆ ਪੈਣੀ ਤੀਂ ਉਹ ਇਟਾਂ ਆ ਪੈਣ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਦੁਲ ਹੈ ਜ਼ਾਦੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬਦੇਂਦੇ ਸੇ ਨਲਕੇ ਵੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਕੋ ਮਸੀਤ ਵੀ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿ ਮਸੀਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਹਿਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋ ਪੜਾਣ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਥੇ ਪੜਾਣ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਕੋ ਮਸੀਤ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਕਨੇ ਆ ਕੋ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਮਸੀਤ ਬਣਾਵੇ ਸੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥਾ ਵਣ ਮਸੀਤਾਂ ਚ ਪੜਾਣ ਸਕੂਲ ਵਣ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਖੁਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋ ਮਲੂਮ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੇਸੀ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਸੀ ਤੇ ਇਥਾਂ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਥੀ ਵੇਸੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਮੀਨ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਇਲਾਹੀ ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਰਾਏ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਵਾਬ ਮਰਹੂਮਾ ਜ਼ਾਦੁਲ ਬੀਬੀ ਡੇਰਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਨਿਆਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੀ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਫਲਾਈ ਕਾਮ ਪੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਖੁਦਾ ਪਾਮਾਨ